ब्लू पॉन्ड में डूबकर फिर से एक युवक की मौत। अभी पिछले महीने भी तो क्लास 11 के एक स्टूडेंट की यहां मौत हो गई थी। तो क्या रोज आइलैंड की तरह अब ब्लू पॉन्ड भी बंद कर देना चाहिए? युवक यहां मस्ती करने नहाने चले तो आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपातकाल में यहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है और इसी वजह से निश्चित ही ब्लू पॉन्ड एक खतरनाक स्थल है। हमारा रांची के तमाम इन्फ्लुएंसर से भी निवेदन है कि जब आप लोगों को यहाँ के रील बना के दिखाते हैं कि ये एक शांत जगह है, खूबसूरत जगह है, यहाँ गर्मी में आइए और पानी के मज़े लीजिए, तो साथ में ये भी अवश्य ही बताएं कि यहाँ क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये भी बताएं कि इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ कोई लाइफगार्ड नहीं होते हैं और टीनेजर्स को तो यहाँ अकेले आने के लिए कभी भी एनकरेज ना करें। हमारा प्रशासन से भी निवेदन है कि ब्लू पॉन्ड की तरफ अवश्य ही ध्यान दें और युवाओं की ऐसे हो रही मौत को रोकें।